नमस्कार दोस्तों, जी जिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लेटर कटिंग की। तो लेटर कटिंग में आपको पिक्चर दिखा जाता हूँ, इस टाइप के जो लेटर होते हैं वो आर्ट के में कैसे कटिंग की जाती है। ठीक है, ये वाला लेटर हो गए, बाकी इस टाइप के लेटर हो गए, ये लेटर आर्ट के में कैसे कटिंग की जाती है अगर इसकी क्वांटिटी आपके पास बल्क में है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी अगर आपके पास बल्क में है इन लेटर की, तो इसको आर्ट कैम में इनकी प्रोग्रामिंग आर्ट कैम में कैसे बनाएं। ठीक है, आर्ट कैम में इनकी प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं और इसको बल्क में हम कैसे काट सकते हैं और इसको इजीली कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज आर्ट कैम में जानकारी लेने वाले हैं कि आर्ट कैम में इसकी प्रोग्रामिंग जल्दी से कटिंग कैसे हो और जल्दी से वो अरेंज कैसे हो कि अपने को ज़्यादा टेंशन ना हो, और हमें कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना प्लाई लगने वाला है, इसका भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आर्ट कैम में निकले, तो उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको बंद करवा देता हूँ और मैं पहले आपको कोरल को ओपन करता हूँ। कोरल ओपन करते ही आप समझ जाओगे कि हमें तो लेटर राइटिंग चाहिए। ठीक है, तो हम कोरल में कुछ भी लेटर लिख लेंगे। अतः सब समझ लो, हमने कोरल में लिख रहे हम लोग जी एस जोन सी एन सी सोल्यूशन लिख रहे, समझ लो जी एस जोन सी एन सी सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में लिखते यूट्यूब आर्ट कैम सी एन सी। ठीक है, जो भी नाम है वो भी ऑनलाइन। ठीक है, इस तरह के हमारे पास लेटर है, इनकी मैं साइज बड़ी कर लेता हूँ। साइज तकरीबन इसकी मैं साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। ओके, इतनी ठीक है, यहाँ से भी साइज़ में बढ़ा सकता हूँ। समझ लो मैं एक लेटर का जो हाइट है वो रखना चाहता हूँ 5 इंचेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, इंटर दबा देता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे लॉक करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लेटर का साइज़ 5 इंच डाल देता हूँ। ठीक है, और लेटर थोड़ा सा ब्रॉड ले लेते हैं हम लोग, कि ताकि अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा कटिंग करने के लिए और समझने में भी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रॉड वाला, अगर कोई है अच्छा वाला, इम्पैक्ट वाला ले देता हूँ। इम्पैक्ट वाला थोड़ा सा ब्रॉड होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, तो कटिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इम्पैक्ट कहाँ चला गया, ये वाला इम्पैक्ट। ओके, ये वाला हम लोग लेते हैं। अभी समझ लो ये हमें 5 इंच हाइट है, हमने मोटा ले लिया, तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ऐसा। ओके, ठीक है, ये हमें काटना है। ठीक है, अभी ये लेटर हमें आर्ट कैम में कटिंग करना है, तो अभी हमें पता नहीं ना इसके लिए कितना सीट लगने वाला है, कितना सीट लगेगा, वो बाद में उसको अरेंज करना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम चला जाएगा कि उसको एक सीट में कैसे अरेंज करे, क्या करे, ये सब चीज़ों में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इनको हम लोग आर्ट कैम में कैसे कटिंग करें और कैसे ले लें, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अभी हमने लेटर राइटिंग टाइप कर लिया, यहाँ पर मैं उसको कलर लेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर मैं बंद कर देता हूँ, और इसको मैं जो है ना आउटलाइन रहने देता हूँ। ठीक है, ये मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ, चाहे तो मैं इसकी और एक कॉपी बनवा लेता हूँ, यहाँ से सीधा नीचे लेके राइट बटन दबा के यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके, इतना लेटर में हमने 2 लाइन लेटर ले लिया, और चाहे तो 1 लाइन में अब यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, इतने लेटर सारे हमारे पास है, तो सारे लेटर हमें काटना है, तो हमें पता नहीं कितना MDF लगने वाला है, कितने प्लाईवुड लगने वाली है, कितना मटेरियल लगने वाला है, अरेंज कैसे होगा, ये सब पता नहीं है, तो अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं DXF में। ठीक है, DXF में एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्टेड ओनली कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और अभी आर्ट कैम को ओपन कर लेता हूँ। आर्ट कैम को ओपन करने के बाद देखो अभी हमारे पास मटेरियल का साइज़ कितना है, 8x4 की सीट नॉर्मली आती है, तो हम लोग 8x4 मटेरियल का साइज़ ले लेंगे। यहाँ पे मैं हाइट डाल देता हूँ 96 और ये हो गया 48। ठीक है, ये हो गया 8x4 का सीट का साइज़ इंचेस में रहेगा। मैं यहाँ पे ओके करवा देता हूँ। ओके, और जो फाइल हमने जो बनाई थी वेक्टर फाइल, उसको मैं इनपुट कर लेता हूँ। यहाँ पे इनपुट में गया और यहाँ पे जो फाइल हमने बनाई थी शायद यही थी, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लेटर हमने ओपन कर लिए, लेकिन यहाँ पे लेटर में साइज़ कम आई, क्योंकि एक लेटर की साइज़ तकरीबन हमने रखी थी 5 इंच की। ठीक है, तो 5 इंच की हमने साइज़ रखी थी, तो मैं इनको बाकी को डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है, और इनको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करवा देता हूँ 5 इंच,
ओके 5 इंच का लेटर ये हो गया और नीचे वाला भी हो गया 5 इंच का लेटर, ठीक है, सॉरी 8 हो गया, इसको 5 करवा देता हूँ मैं, 5 इंच, ओके। अभी सब लेटर एक जैसे साइज में है, तो अभी ये जो लेटर जो है तो मैं इनको साइड में ले लेता हूँ, और हमें चाहिए थी, समझ लो इसके नंबर ऑफ कॉपी हमें अगर चाहिए तो 3 4 कॉपी में इसकी बनवा लेता हूँ कि एक सीट में कितना मटन बैठेगा और कितना सीट लगेगा, इसके बारे में आपको जानकारी लूँगा। लेकिन पहले ये चीज़ सब चीज़ अरेंज करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक एक पीस उठाओ, फिर यहाँ पे एक पीस उठा लो, फिर यहाँ पे ए रखो, उसके बाजू में फिर वापस आर उठाओ या टी उठाओ, इसके बाजू में अरेंज करो, इसके अंदर टूल का गैप छोड़ो, कितना छोड़ना है, ये बहुत मगजमारी का काम है और बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली अरेंज करवा लेंगे, लेकिन अरेंज करवाने के पहले मैं बता देता हूँ। अभी समझो जी है, ये वाला जी है, जी के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, एक बाहर का लाइन एक अंदर का लाइन, ये दोनों को हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी दबा के ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, इनको भी मैं ग्रुप करूंगा। जब भी हम लोग नेस्टिंग करेंगे तो ये दोनों साथ में ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, ठीक है, तो इनको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ऐसी वाली जो जितने भी चीज़ें इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ कि इनके इनसाइड जो भी वेक्टर वाला ग्रुप है उसको मैं जी करके ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी ग्रुप कर लेता, इसको भी ग्रुप करना है, ये ओ को भी ग्रुप कर लेता हूँ और ई को भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। इतनी सारी सारी चीज़ें मैंने ग्रुप कर ली, तो इसकी नंबर ऑफ कॉपी में बनवा लेता हूँ कंट्रोल दबा के, ठीक है, 5 नंबर ऑफ 5 कॉपी हमने बनवा ली, ठीक है। अभी इतना सारा लेटर हमें 8 फीट के, सॉरी 8 बाई 4 के सीट में अरेंज करना है, तो अरेंज करना है तो अभी कितना मटर लगेगा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे नेस्टिंग में, नेस्टिंग को ऑप्शन है, नेस्टिंग में चले गए। अभी नेस्टिंग में जाने के पहले मैं मटेरियल को एमएम में करवा लेता हूँ, तो मटेरियल में एमएम में करवा लूँगा तो मुझे साइज डालने के लिए इजी पड़ जाएगा, तो मैं एमएम में करवा लेता हूँ, ओके। और सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे नेस्टिंग में चला जाता हूँ। नेस्टिंग अभी देखिए, नेस्टिंग में ये बता रहा है अपने को कि भाई आपका टूल का डायामीटर कितना है, कितना टूल से काटने वाले, भाई हम लोग 6 mm एंड मिल से काटने वाले हैं, ठीक है, 6 mm एंड मिल से। टूल का क्लियरेंस कितने देने वाले है, कि मतलब दोनों टूल में कुछ क्लियरेंस आपको देना है नहीं देना है, तो हम लोग बताएंगे टूल में क्लियरेंस 6 mm का दे दो, ठीक है, और एज जो क्लियरेंस रहेगा वो कितना, हम लोग देंगे एज क्लियरेंस आपका 18 mm का। तो ये क्लियरेंस किधर किधर आ गया वो मैं भी आपको बताऊंगा, क्लियरेंस किधर आ गया, देखिए। और यहाँ पे अलाउ पार्ट द रोटेशन, ओके, पार्ट को रोटेशन करने के लिए अलाव है, 45 डिग्री, कितना डिग्री है, स्टेप एंगल 90 डिग्री में चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर, मिरर का अलाउ नहीं करना है, पार्ट पार्ट इन पार्ट, कोई भी एक पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट अलाउ करना है कि नहीं वो भी नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पे दिया है यूज मॉडल एज अ बाउंड्री, ये सब चीज़ें दी हुई है, इसको कुछ नहीं करना। और यहाँ पे ऑल पार्ट ऑल कॉपीज 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग 1 1 ही रखेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम सीट लगेंगे 99, तो इसको मैं नेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है, ये नेस्ट हो रहा है, मैंने नेस्ट बटन दबाया था, इसको ये भी नेस्टिंग हो रहा है इसका, तो नेस्टिंग होने के बाद इसको अरेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अपने हिसाब से अरेंज करवा देगा। तो देखिए इसने क्या किया, जितने भी लेटर थे उतने लेटर अपने हिसाब से अरेंज करवा दे दिए, ठीक है। अभी इसने जितने भी लेटर थे अपने हिसाब से अरेंज करवा दिए, मुझे कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर मैं इसको अरेंज करने के लिए जाता तो मुझे टाइम लग जाता, ठीक है, बराबर है, तो मुझे इसको कुछ अरेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल झेड करता हूँ, ठीक है, अभी ये एक ही सीट में बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने कॉपी कितना रखा है नाम का, 1 2 3 4 5, 5 कॉपी रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि भाई ऑल पार्ट की कम से कम 10 कॉपी बननी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 करवा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नेस्ट करवा देता हूँ। अभी ये नेस्टिंग मैं करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, हर पार्ट का 10 10 कॉपी बनाएगा, हर पार्ट का, हर पार्ट का जब भी 10 10 कॉपी बनेगा तो एक सीट में तो नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो ये ऑल पार्ट का अभी 10 10 कॉपी इसने बना दिया, अभी इसको कितनी सीट लगी, मैं इसको कट कर देता हूँ, अभी ये आपको दिखाएगा कितनी सीट लगी यहाँ पे 8 cam में, तो ये आपको दिखाएगा कि भाई मुझे लगी है 6 सीट, ठीक है। 6 सीट कैसी लगी मैं आपको बताता हूँ, ये पहला सीट है, ये सेकंड सीट है, ये
तीन नंबर का सीट है, ये चार नंबर का सीट है, ये पांच नंबर का सीट है और ये है छह नंबर का सीट, और छह नंबर का सीट में भी लगभग थोड़ा सा मटेरियल बचता है। तो इसने अपने को दिखा दिया कि भाई देखो, आपको अगर इतने लेटर काटने हैं तो आपको छह सीट 8x4 की सीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हमने जो सेटिंग दिया था वो सेटिंग के हिसाब से ये सारे इसने अरेंज करवा दिए। सारे कैसे अरेंज किए मैं आपको गिनती करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा, 12 mm का गैप रहेगा। क्यों? 6 mm का टूल चलेगा और साइड में भी 6 mm का टूल चलेगा, तो ये 12 mm का गैप बन गया। तो 12 mm हमने छोड़ दिया था क्लियरेंस के तौर पे, तो 12 mm, 6 mm क्लियरेंस था, ठीक है, 12 mm हमने छोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने एज क्लियरेंस 18 mm दी थी, तो बॉर्डर जो बोलते हैं हमने बॉर्डर से 18 mm इसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सारा जो भी आपका जो भी है ये सब नेस्टिंग ने अपने हिसाब से सेट कर दिया। अगर इतना आप सेट करने के लिए चले जाते तो आपको कितना टाइम लगता? नेस्टिंग ने आपका सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में पूरा अरेंज करवा के दे दिया। अभी अरेंज करवा के दे दिया तो अभी इसकी प्रोग्रामिंग हम बनाएं कैसे? अभी तो आप तो बोलेंगे ये सीट अलग अलग बन गई, तो अभी ये की सीट हमें 6 नंबर का सीट विजिबल हो रहा है, बाकी तो सब दिख नहीं रहा है, बोर्ड में दिख नहीं रहा है, तो वो भी सिलेक्ट भी नहीं हो रहे, तो उनके ऊपर हम कैसे काम करें? तो यहाँ पे देखिए आर्ट कैम के प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे सीट का ऑप्शन है, सीट के आगे एक एरो है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो नंबर वाइज सीट बन गए। डिफॉल्ट सीट को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, ये डिफॉल्ट सीट मेरा खाली है, तो ये डिफॉल्ट सीट पे कुछ नहीं है। चाहो तो मैं डिफॉल्ट सीट को मैं डिलीट भी करवा सकता हूँ, डिलीट, ओके, डिलीट करवा दो, डिलीट, डिफॉल्ट सीट डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शायद डिलीट नहीं हुआ, वो कुछ बोल रहा है, एक मिनट, ओके, ठीक है, डिफॉल्ट से डिफॉल्ट डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन होता है, अभी क्यों नहीं हो रहा है मालूम नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट सीट भी हो जाता है। चलो उसका कोई बात नहीं है, डिफॉल्ट सीट है हमारे पास। अभी आते हैं सीट नंबर वन पे। जैसे ही सीट नंबर वन पे क्लिक करते हो तो सीट नंबर वन का आपको जितना भी वेक्टर है सब विजिबल हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो आप इसकी 2D प्रोग्रामिंग बना लो, ठीक है। अभी समझ लो इसकी 2D प्रोग्रामिंग हमने बन ली। यहाँ पे हम लोग चले गए टूल पाथ में, टूल पाथ में हमने टूल पाथ सेलेक्ट किया और आउटर काटना है, तो इसके लिए हम लोग 6 mm का एंड मिल लेने वाले थे, 6 mm का एंड मिल। इसकी थिकनेस मैं दे देता हूँ, समझ लो 12 mm का सीट है, 12 mm की थिकनेस हमने दे दी। इसका स्टेप डाउन जो भी था वो हमने 6 mm कर दिया, दो दो बार में काटेगा, और इसको हमने मटेरियल को हमने यहाँ पे कर दिया 12 mm, 12, ओके, कैलकुलेट करवा दिया। ये हो गया एक सीट का कैलकुलेशन, ओके, एक सीट का कैलकुलेशन हो गया। अभी इसको हम लोग बंद करवा देते, चाहे तो इसको प्रोफाइल को नाम दे दो, नहीं तो नहीं भी दिया तो चलेगा, इसको हमने करवा दिया। अभी आपको प्रोग्रामिंग करनी है दूसरी सीट की, तो दूसरा सीट यहाँ से सिलेक्ट करो, दूसरा सीट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे दूसरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा सीट को भी आप सिलेक्ट करके उसकी भी प्रोग्रामिंग कर लो, ठीक है। आपको तीसरा सीट की प्रोग्रामिंग करनी है, तीसरा सीट सिलेक्ट कर लो, इसकी प्रोग्रामिंग कर लो, और यहाँ पे जैसे ही आप टूल पाथ बना चाहे जाओगे, टूल पाथ नंबर वाइज सेव कर लो या नंबर वाइज उसकी दे दो, तो मतलब आपके जितने भी सीट है वहाँ उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उसकी जो टूल पाथ है वो यहाँ पे आप नंबर वाइज जनरेट कर सकते हो, और सीट भी आपके पास नंबर वाइज रहेगा। तो नेस्टिंग से आपको पता चलता है कि भाई आपको कितना मटेरियल लगने वाला है और आपने क्या साइज दिया है, उसके हिसाब से वो अरेंज करने वाला है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये हाइट में है सी, तो हमने 90 डिग्री में ही बोला था, तो 90 डिग्री में उसने रोटेट भी करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। हाँ, इतना है कि जब भी आप अरेंज करते हो तो अरेंज करने के टाइम में थोड़ा बहुत अरेंज करके आप मटेरियल को बचा सकते हो, लेकिन उसको टाइम बहुत लगेगा। इतना ही आप अगर सेटिंग करने के लिए जाओगे, कम से कम आपको 4 से 5 घंटा लग जाएगा सेटिंग करने में, ठीक है। ये नेस्टिंग ने आपको 2 मिनट में सेटिंग करवा दिया, तो बहुत इजी आइडिया है नेस्टिंग में कि आप लेटर कैसे कटिंग करें। अभी जिस जो भी लोग 2D का काम करते हैं और जो लोग भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट काटना है, तो उनको पता नहीं कि ये एक एक सेट करते हैं, तो वो अगर नेस्टिंग का आइडिया लेके इस्तेमाल करते हैं तो आप इजीली आपके जितने भी लेटर्स हैं वो इजीली काट सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको नेस्टिंग का आइडिया समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।